अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ असद और एनएक्स किचन में आपको कहते हैं खुशामदीद। और एनएक्स किचन में आप लोगों के लिए बहुत सारी जहां रेसिपीज़ बनाते हैं वहां आपके लिए नई नई प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज की जो हमारी प्रोडक्ट है वो हम ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है और हर किचन में ग्राइंडर, ब्लेंडर, चॉपर, इन सब के बगैर आप कह लें कि किचन अधूरा है। और जब आप शॉर्ट कुकिंग की बात करते हैं तो फिर इन सारी चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत रहती है। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बना रहे हैं चटपटी रान, और इसमें हम बकरे की रान बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है एक आपको नज़र दिखाते हैं और साथ साथ फिर आपका प्रोसीजर इसके साथ शुरू करते हैं। तो जनाब यहाँ पर आपने इंग्रेडिएंट्स देखे, अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास मौजूद है प्याज, जिसको हमने क्या करना है, पीसना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी प्याज को फ्राई कर लिया था और इसको आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि क्रिस्पी प्याज आप किस तरह से करेंगे। इंशाल्लाह एक दिन आपके लिए वीडियो भी बना देंगे। प्याज हमारे पास पिस गई, आपने देखा झटपट फटाफट हमारे ब्लेंडर ने ये काम हमारा रेडी कर दिया। अब बारी है, इसमें हम यूज़ करेंगे काला ज़ीरा, ठीक है। काले ज़ीरे के साथ ही मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें साबुत काली मिर्च। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं इसमें नारियल पिसा हुआ या साबुत भी ले सकते हैं, और उसके बाद सफ़ेद तिल। और अब इन तमाम चीज़ों को मसाला हमारे पास हमने पीस लिया और अब इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसी में हम शामिल करेंगे ब्राउन किया हुआ प्याज, उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें दही, दही के साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, पपाया पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें येलो फूड कलर। सारी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। उसके बाद हरी मिर्च, साबुत हरी मिर्च, बस दो पीस करके शामिल कर देंगे। हल्का सा पानी शामिल करेंगे, जस्ट एक घूंट के करीब पानी हमने शामिल किया। यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया थोड़ा घी, और अब यहाँ पे हमारा मसाला तैयार है। अब हमने रान को लेना है और इसमें अच्छे से मसाला लगाना है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से इनके कट्स में हर तरफ ही मसाला लगना चाहिए। और मसाला लगाने के बाद हमने इसको कम से कम भी एक दिन छोड़ना है, यानी कि 24 आवर आपने रान को रेस्ट देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसको निकालेंगे और ओवन में रखेंगे इसको रोस्ट करने के लिए। तो ये देखिए जी, हमारे पास रान को हमने पूरा का पूरा मसाला लगा दिया हर तरफ से, और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे फ्रिज में, ठीक है। तो रान को अब हमने क्या करना है, हर 2 घंटे के बाद आपने फ्रिज से निकालना है और नाइफ़ की मदद से या कांटे की मदद से इस तरह से आपने इसको प्रिक करना है, ठीक है, ताकि ये रान में अच्छे से हमारा सारा का सारा मसाला चला जाए। और हर 2-3 घंटे के बाद आपने इसको ज़रूर प्रिक करना है, ताकि ये खूब अच्छे से मसाला जो है वो इसमें अंदर तक मैरिनेट हो जाए। चलिए, और अब हम इसको लेके चलते हैं फ्रिज में, फ्रिज में रखते हैं और 24 आवर के बाद हम इसको निकालेंगे और उसके बाद इसको हम रखेंगे ओवन में रोस्ट होने के लिए। और जनाब यहाँ पर 24 आवर हो चुके हैं, हमने रान को मैरिनेट किया और उसके बाद इसको हमने रेफ्रिजरेट कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि हर 2 घंटे के बाद आपने इसको प्रिक करना है, लाइक प्रिक करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि छुरी से या कांटे से इसको आपने इस तरह से गूंदना है, ठीक है। और 3-4 दफ़ा ये करके और इसको कवर करके हमने रख दिया था। अब यहाँ पर रान हमारे पास तैयार है ओवन में जाने के लिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर ओवन की हम ले लेंगे ट्रे,
ठीक है। और हमें ये इसकी ग्रिल की ज़रूरत नहीं है, ये हम निकाल देंगे। और उसके साथ ही अवन को हम ऑन कर देते हैं। अच्छा, इसमें हमें अप एंड डाउन दोनों ग्रिलर हमें चाहिए, तो ये ऑप्शन भी मैं ले आता हूँ। ऊपर और नीचे दोनों की रॉड्स हमारी ऑन हो गई हैं। टेम्परेचर हम इसको देंगे तकरीबन 100 के करीब, ठीक है। 100 टेम्परेचर, अप एंड डाउन दोनों ग्रिल ऑप्शन दे दिया है, और टाइम दे दिया है हमने इसको कम से कम, ये हमने दे दिया इसको 12 मिनट्स, ठीक है। और ये 12 के बाद हम इसको मज़ीद टाइम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कम से कम भी आपकी ऑलमोस्ट 1 घंटा और 20-30 मिनट लेगा, ठीक है। हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी जल्दी भी हो जाए, 1 घंटे में भी हो सकता है, आप उसको चेक करते रहिएगा। एक्यूरेट जो टाइमिंग है वो हम आपको जो है मैं बताऊंगा कि कितनी देर में ये हो गया इसके बनने के बाद। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अवन की ट्रे ले ली है, और अब अवन की ट्रे में मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, मेरे पास कैरेट्स हैं, ठीक है, कुछ आलू मैंने कट कर लिए हैं, उसके बाद मैंने थोड़े से टमाटर काट लिए हैं, ठीक है, और चाहें तो आप शिमला मिर्च, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, एक शिमला मिर्च कट करके, और ये भी हम इसमें नीचे लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ों को आप ऐसे फैला दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर हम लेंगे रान, आप देख रहे हैं कितना अच्छा मसाला लगा हुआ है, और इसको आपने उठा के इस पर सेट कर देना, और ये जितना भी हमारे पास मसाला रह गया है ये अच्छे से आप इसके ऊपर लगा दें, थोड़ा सा पुदीना, ये तमाम चीज़ें ऑप्शनल हैं, ठीक है। सब्ज़ी डालना चाहें आप डालें, नहीं डालना चाहें डजेंट मैटर, आप ना डालें, सिर्फ आप रान को डन कर लें, ठीक है। मैं इसमें पुदीना डाल रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों का अरोमा और उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब ये काम हो गया, अब हमने क्या करना है, दो तरीके हैं, अगर आप इसको चाहें तो डायरेक्ट रोस्ट भी कर सकते हैं विदाउट कवर करके, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इसको स्टीम रोस्ट करना, तो इसमें मैं ऐड करूँगा पानी, ठीक है। ट्रे में हम डाल देंगे पानी, ताकि इसकी स्टीम में हमारी रान जो है वो डन होगी, और उसके बाद अब मैं इसको करूँगा कवर। और अब बारी है इसको अवन में रखने के लिए, हम लेके चलेंगे अवन को, आप खोल लीजिए। अच्छा, इसको अवन में ना तो आपने नीचे रखना है ना बहुत ज़्यादा ऊपर, तो आपने इसको रखना है मिडल में, यहाँ पर मैं सेंटर में इसको बहुत एहतियात के साथ लगा देंगे। और अब इसको रखने के बाद आपने इसको क्लोज़ किया, और 45 मिनट्स तक आपने इसको छोड़ देना है, रेस्ट देना है, आप जब तक अपना कोई और काम कीजिए। 45 मिनट्स के बाद आपने एक तरफ से फॉइल पेपर को हटा के देखना है, आया हमारी रान गल गई है, डन है। और अगर ऐसा फील हो आपको कि पानी खुश्क हो गया, तो थोड़ा सा पानी उसमें और ऐड कर दें, ताकि रान अच्छे से मॉइस्चर के साथ पके। चटपटी रान को 1 घंटा और 30 मिनट हो चुके हैं, और अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा निकालेंगे, देखेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है, ठीक है। अवन को जो है मैंने अभी बंद नहीं किया है, क्योंकि लाइट ऑफ हो जाएगी, मैं चाह रहा हूँ कि पहले इसको मैं निकाल लूँ, आप लोग देख लें, बहुत एहतियात कीजिएगा, फेस को पीछे रखना है, ताकि स्टीम आ रही है आपका फेस जो है वो जल सकता है। और ये देखें माशाल्लाह से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखें गोश्त हमारा किस कदर बेहतरीन गल गया, ये देखिए आप, और गोश्त का कलर मैं एक आपको ये यहाँ से कट करके, ये देखिए कलर देख रहे हैं आप गोश्त का, कितना बेहतरीन खूबसूरत और ज़बरदस्त। और यहाँ पर अब आप देखें हमारे गोश्त, मैं आपको थोड़ा सा ये कट करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये गलावट आप देख रहे हैं कैसे ज़बरदस्त हड्डी से अलग हो रहा है गोश्त। चलिए जी, अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है, इसको थोड़ा सा मज़ीद प्रेजेंटेबल बना देते हैं, और ये फॉइल हम लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रान आपकी कैसी बनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।